पीथमपुर नगर का गौरव दिवस 1 मार्च को महाराणा प्रताप बस स्टैंड पीथमपुर पर मनाया गया, जिसमें निकाय के विभिन्न योजनाओं के स्वीकृत पत्र, विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति लोन के हितग्राहियों को लाखों के चेक वितरित किए गए एवं सफलता की कहानी एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धार महू लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार, नगरपालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल, उपाध्यक्ष पप्पू असोलिया, नवनिर्वाचित पार्षद व मुख्य नगरपालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना सहित नगर के गणमान्य नागरिक और आम जन बड़ी संख्या में शामिल हुए। अपने उद्बोधन में सांसद दरबार में केंद्र की अनेक योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी व नगरपालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई दी। वहीं पेंशन, स्ट्रीट वेंडर व स्व सहायता समूह के हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र व चेक का वितरण किया गया। वहीं मुख्य नगरपालिका अधिकारी डॉक्टर मधु सक्सेना ने बताया कि बात लगभग 26 लाख से हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज गौरव दिवस के दिन जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, कितना लाख लाभार्थियों को मिला? आज पीथमपुर द्वारा गौरव दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न योजनाओं में कितना वितरण 26 लाख राशि का किया गया। दिवस के उपलक्ष्य में उसके रूप में मोदी जी दिल्ली वाली सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी की भारतीय, उनकी विभिन्न योजनाओं से जो हितमूलक योजनाएं लागू की है और जिसमें सभी को लाभ पहुंचाया गया है दोनों सरकार की ओर से, उनके आज अधिकार और स्वीकृति पत्र भी दिए, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, स्व सहायता ग्रुप हो, फिर उसमें ये छोटे अपने ठेले गाड़ी वालों का लोन हो, कई प्रकार से अपने छोटे लोगों को ऊपर उठाने के आज स्वीकृति पत्र दिए गए। ये मोदी जी और शिवराज सिंह जी की योजनाओं का लाभ आज दिया गया और उससे आज पीथमपुर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। और दाहोद रेल लाइन के लिए, दाहोद रेल लाइन मक्सी गोदरा और दाहोद छोटा से बधाई, इसको मैंने स्वीकृति से लगाकर आज पूर्णता की ओर मैंने ही कराया। 14वीं लोकसभा में सांसद था, इन दोनों रेल लाइन को मैंने स्वीकृत कराया और मेघनगर में मनमोहन सिंह जी पर मैंने इसका भूमि पूजन कराया। उसके बीच दो टर्म में नहीं रहा, काम शिथिल रहा, फिर मैं अभी चुन के आप लोगों ने मुझे भेजा। अगले बजट में इसको 225 करोड़ दिलाए थे और फिर कोरोना लग गया, काम रुक गया था, लाइन होल्ड हो गई थी। फिर मैं कोरोना के बाद मोदी जी से भेंट की मैंने और मैंने कहा साहब मेरे गरीबों के आदिवासियों की लाइन ऐसे होल्ड खोले, तीसरे दिन ही होल्ड खोल दिया, अब दोनों लाइन के लिए करीब 725 करोड़ रुपए मंजूर हुए। अब ये लाइन दोनों 2024 में इन दोनों पटरियों पर रेल दौड़ेगी, आप सफर करेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।